बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के उनवान से सेमिनार हुआ। सेमिनार में मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर, सीनियर सहाफियों और तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा अबलाग़ आमा ने मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के अनवान से सेमिनार किया। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि सनसनी खेज प्रोग्राम्स की बजाय इस्लाही और माशरे की खामियां दूर करने के लिए अपनी कुव्वतें सर्फ करें। हमें ये जो फॉल्ट सिस्टम जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करने में, कॉन्फ्लिक्ट को परपेचुएट करने में या उसको फर्दर फ्लेयर अप करने में मीडिया को रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस रोल प्ले को हम जरा नीचे ले जा सकते हैं कि इंपैक्टुएटिंग पॉइंट की तरफ जाएं, तो जिस प्रोग्राम का इंपैक्ट ज्यादा हो। मारूफ एंकर सलीम साफी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है, आम आदमी की जिंदगी के हर पहलू पर बात कर सकता है, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान का मीडिया दुनिया में गुलाम तरीन है। मखसूस मौजूआत और शख्सियात पर एक बात तक करने की इजाज़त नहीं मिलती। आज़ादी इजहार क्या है कि एक आम आदमी अमीर मोमिनीन के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि मेरे एक चादर के मुकाबले में तुम्हारे दो चादर क्यों हैं, और वो अमीरुल मोमिनीन ना उसके माथे पे शिकम आता है बल्कि वो उनको जवाब देता है और उनको मुतमाइन करता है। सेमिनार में सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर्स ने जोर दिया कि जामियात में कोर्स वर्क और फील्ड के काम में मुताबिकत पैदा करनी चाहिए। सरदार ओवैस, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद।